राजस्थान से बहुत अच्छी संख्या रहेगी। एक सुझाव मेरा, पहले जो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू हुई थी उसमें मैंने दिया था, तो क्या होता है कि लगभग ये देखा है कि लास्ट मोमेंट तक, लास्ट दिन तक होश मच की स्थिति रहती है। रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं किसका भी व्यवस्था ना हो, उससे व्यवस्था होती है बहुत दिक्कत होती है। राजस्थान के लोगों ने शिकायत किस तरह जो आए थे, बहुत परेशानी हुई लोगों को। तो एक तो एक बड़ी जल्दी में हो सर, गर्मी बहुत है मैडम वर्दी की। हाँ, गर्मी तो बहुत है लेकिन आपको शायद पापा के पैसों की गर्मी ज्यादा लग रही। बढ़ती गर्मी में विवेल कूलमेंट करे आपकी स्किन को सॉफ्ट और आपको कूल। आप समझौता नहीं, वो सोचेगा मुझे इनसे क्या क्या काम कहाँ लेना है। मदारी में खेल दिखा देते हैं ना, उसके बाद अगली उस पर आता है कि उसका कटोरा था। ठीक है जी, अब हमने एक चीज तय कर ली है कि 2000। हमारे सुभाष मलिक जी, आज हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं। कुरुक्षेत्र में है और हमारे परिवार की मीटिंग है सिंधु यात्रा समिति के लिए। अगली यात्रा हमारी जून में होंगी अगली लद्दाख के लिए, उस विषय में ही आज कैसे व्यवस्था करनी है उसी के लिए आसान हिंदुस्तान से अलग लेकर एक साल एकत्रित हुए हैं। तो सारा प्रोग्राम और हर स्टेट से आने के लिए भारत जोड़ो यात्रा, हमारी भारत जोड़ो यात्रा है जी। ये हमारे भारत के अलग अलग लोग एक बार मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं जी। अब आप जैसे असम से आए हैं, मैं पंजाब से हूँ, तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं जैसे आपके यहाँ क्या कल्चर है, हमारी क्या कल्चर है जी। तो बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलकर, बड़े खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर, बहुत खुशी लगा। क्योंकि आप इस उम्र, आपका उम्र कितना हुआ? मेरी उम्र 77 है। 77 आप क्या करते थे? आप मैं स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर था। हाँ। और 17 साल पहले रिटायर हो गया। 17 साल मैं सारा देश विदेश में भ्रमण करता हूँ, चलता फिरता रहता हूँ, शुद्ध वैष्णव भोजन खाता हूँ जी, और सेहत ठीक रहती है। ईश्वर की दया, सभी तक कोई गोली नहीं खाता हूँ, सब ठीक है, मैं कोई बीपी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भ्रमण करना है, ईश्वर को याद रखना है और नए कार्य करना है। ये चीज़ें करो, ऊपर वाला सब साथ रहता है। ये माननीय इंद्रेश कुमार जी, मार्गदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, तो ये हिमालय परिवार। All the women in my life have played pivotal roles in my success. Here's wishing a very happy Women's Day. All the women of India. क्योंकि मैं भी काफी सालों से इस परिवार के बारे में सुनते आता रहा हूँ। ये राजस्थान कोटा सच्चिदानंद पारिक जी, सच्चिदानंद पारिक, हाँ, और
गुरु जी एक है, गुरु जी से भी बात हुआ था मेरा, तो जयपुर आ जाना हुआ। तो हम लोग को क्या है, गांव का गांव से है, टोटली ट्राइबल मॉडल ट्राइबल से। और ऐसे तो समझे आप ट्राइबल से रह के भी जितना ज्ञान आपको है मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक ट्राइबल में रहने वाला आदमी, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला, इतना ज्ञान है, इतना यहाँ के शहर वालों को इतना ज्ञान नहीं होता जितना आपको है। और जो आपके अंदर एक जज्बा है कि भारत को पूरा हिंदुस्तान के अंदर पूरा विश्व गुरु बनाने का, लोगों को जोड़ने का और घर वापसी कराने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस कार्य में आगे चले, बहुत अच्छे रहे। जैसे कि नहीं, हमारा क्योंकि हमारा देश अखंड था, अखंडवाद में थोड़ा दिन पहले नेपाल में भी गया था, माननीय मनीष भाई मैंने एक कार्यक्रम में नेपाल में भी गया था, तो नेपाल में बोला था हिंदू राष्ट्र। और ये तिब्बत तावांग यात्रा और ये सिंधी यात्रा, पीओ की गिलगिस्तान, गिलगिस्तान कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा है, तो हे संतंज कभी सोचा है, माँ ने रोटी बनानी सीखी होगी नानी से, और नानी ने पर नानी से, न जाने कितनी पुश्तों का प्यार उमड़ के आता है एक फुलके में। इसीलिए रोटी रोटी नहीं आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद में है बेहतरीन गेहूं जो चुना जाता है देश के कोने कोने से, फिर साफ होता है 3 बार गहराई से, और पीसा जाता है पारंपरिक चक्की की तरह, जिससे मिले सर्वगुण संपन्न आटा। आशीर्वाद, भारत का नंबर 1 आटा ब्रांड फ्रॉम ITC।